हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई, सोचा भी नहीं होगा आज का इंसान इतना घृणित कार्य कर सकता है। सबसे यदि उत्तम क्रिएशन ईश्वर का कोई है तो वो हम इंसान हैं। इंसानों को इसलिए बनाया गया ताकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा इस धरती को एक ऐसी जगह रहने के लायक बना सके। जब जब कोई इस धरती पर जन्म ले, वो वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करे। लेकिन आज भगवान का ही उत्कृष्ट जो क्रिएशन है, यानी हम इंसान, धरती माता को न सिर्फ लहूलुहान कर रहे हैं बल्कि शर्मसार भी कर रहे हैं। लगातार आज का इंसान जानवर भी नहीं बल्कि दानव बनता जा रहा है, अपने अहंकार के नशे में चूर। और जब उसका अपराध पकड़ा जाए तो उस पर लिपापोती करने के लिए नए नए बहाने। लेकिन ऐसे एक्सक्यूजेस कल की अवतार के सामने नहीं चलने वाले। जितना भी जिसने कर लिया, अब समय है न्याय का, यानी वो न्याय देने का समय जो अब तक पेंडिंग था। लोगों ने बहुत अन्याय किए और लोगों ने सोचा कि हम तो बच गए, हम किसी की नज़रों में आए ही नहीं, लोगों को हमने लोगों की आँखों में धूल झोंक दिया। आज जो है हर जगह असमानताएं हैं, भले ही लोग इक्वलिटी की बातें करते हैं, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री का नारा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में छुआछूत की भावना और एक निचली जाति को देखने की जो बातें हैं, नज़रिया है इंसान का, वो आज तक नहीं बदला। आज भी लोग पिछड़ी जाति को या आदिवासियों को बहुत गलत नज़रिए से न सिर्फ देखते हैं बल्कि उनके साथ गलत व्यवहार करने से भी नहीं चूकते हैं। और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल करना जानती है, साथ ही उस अपराधी को जब पकड़ लिया जाता है नए नए बहाने देते हैं। सबसे पहला बहाना कि मैंने शराब पी रखी थी या फिर मैं होशो हवास में नहीं था। आजकल एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये मैं तीसरी घटना जो देख रही हूँ। अब मुझे लगा इसके ऊपर आपको वीडियो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि आपको भी ये घटना पता है। लेकिन दो घटनाओं के बारे में आज मैं अपने वीडियो में बतलाऊँगी। वास्तव में ये बिल्कुल शेमलेस एक्ट है। इंसान कितने निचले स्तर तक गिर सकता है, आजकल के अवतार को भी कहीं ना कहीं आश्चर्य हो रहा होगा। और इसी के लिए जब उन्हें बहुत पहले ही पता था कि कलयुग में ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए विष्णु भगवान ने भी कलयुग के मनुष्यों की अकल ठिकाने लगाने के लिए कल्कि के रूप में जन्म लिया। कलयुग यानी अंधकार का युग, कलयुग यानी उस गंदगी का युग, जिस गंदगी को साफ करने के लिए भगवान को भी उस गंदगी में आना पड़ा, क्योंकि उनके आए बिना यहाँ का इंसान सुधरने वाला नहीं है। एमपी में रिसेंटली यूरिनेशन का एक ऐसा मामला ही सामने आ गया है। बीजेपी के वो नेता, जिसे आज लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी का नेता नहीं है लेकिन वो बीजेपी का ही मेंबर है, जिसने कि एक आदिवासी के ऊपर सरेआम न सिर्फ यूरिन पास किया बल्कि पकड़े जाने पर उसका बहाना था कि मैंने शराब पी थी, मैं होशो हवास में नहीं था। इसके अलावा उस इंसान को जिसके ऊपर ये कांड किया गया, फोर्सिबली उसको फोर्सफुली उससे कहलवाया गया कि नहीं नहीं, ये जो काम है, ये जो वीडियो है, ये जो वायरल हो रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी उस इंसान ने नहीं किया। लेकिन अब थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू कल्कि अवतार कि असली अपराधी जो है वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। मैंने आपसे अपने वीडियो के माध्यम से कहा था, एक वीडियो में, कि एक सिंगल मिस्टेक भी
यदि किसी इंसान से हो जाती है जब कल्कि अवतार के सामने, तो कल्कि अवतार अपनी डिक्शनरी में माफ़ी शब्द लेकर चले ही नहीं हैं, धरती पर आए ही नहीं हैं। यानी जैसा भी जिसने जो भी गलती की, उस गलती की सज़ा आज अभी और इसी युग में भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। क्या आदिवासी इंसान इंसान नहीं होते हैं? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? भले ही एमपी गवर्नमेंट ने, शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल करते हुए उस इंसान को पकड़ लिया, जेल के सलाखों के पीछे डाला, बुलडोज़र चला दिया उसके मकान पर, लेकिन यही तो कहावत है कि करे कोई भरे कोई। उस अपराधी के माँ बाप ने बहुत मुश्किल से एक घर खड़ा किया था, लेकिन बेटे की नापाक हरकतों के कारण, गंदी हरकतों के कारण आज उनका मकान बुलडोज़र की भेंट चढ़ गया। रोते रह गए, लेकिन बेटे को अब भी अकल अगर आ जाए तो भी भला है। अब भी उनको अकल नहीं है, अब भी अपने अपराध को माफ़ी मांगने के बजाय छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने उस आदिवासी इंसान को अपने घर बुलाकर और उनकी खातिरदारी करके, यानी उनके पैर धोकर, उस इंसान के गले में फूलों की माला डालकर, ट्विटर पे माफ़ी का पोस्टनामा भी डाल दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है कि जो इंसान है, जो साधारण इंसान है, भले ही मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी जनता भगवान है। भले ही उन्हें डैमेज कंट्रोल उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन अपराधी जो आज जेल के पीछे है, उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आजीवन लोग याद रखें कि मानव धर्म क्या होता है और मानवता हमें क्या सिखलाती है। इंसान यही सबसे बड़ा धर्म है। हमेशा मैं कहती हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ट्राइबल हो, आदि व कोई भी हो, इंसान तो इंसान है। जो मानव धर्म है, वही मानवता हमें सिखलाती है कि दूसरों के साथ हमें बिना ऊंच नीच किए एक समान व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो धनी हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी धर्म का हो। जब कल्कि अवतार इस धरती पर आ चुके हैं, तो ये थर्ड केस रिनेशन का, इसके पहले दो ऐसे केसेस एरोप्लेन में, फ्लाइट में हो चुके हैं, और उसमें भी सेम एक्सक्यूज़ दिया गया कि मैं अपने होशो हवास में नहीं था। पेरेंट्स के द्वारा ये कहा गया कि उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले ली थी, लेकिन एक्सक्यूज़ अलग जगह है, और जो कांड किया वो इतना घृणित कांड है कि वो इंसान माफ़ी के लायक नहीं है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, केदारनाथ, बद्रीनाथ आजकल लोग जा रहे हैं और तरह तरह के रील्स बना रहे हैं, ना सिर्फ रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं, अपनी ख्याति प्राप्त करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए, तो उनकी भक्ति, जिस भक्ति का दिखावा करने के लिए बाबा भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का जयकारा करके वो पहुंच रहे हैं। बिना दर्शन के सबसे पहले उनके हाथ में होता है मोबाइल, और उनके उनके दिमाग में थॉट चलती रहती है कि किस प्रकार अपने आप को रील्स बनाकर मैं पहुंचा दूं लोगों के बीच, ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊं। इसके अलावा एक और मैंने वीडियो देखा जहां पर एक प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा पहुंचा हुआ है केदारनाथ, और मंदिर के सामने प्रपोज किया जा रहा है एक दूसरे को। लड़की जो है वो घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करे, क्यों? प्रपोज करने की जगह इस पृथ्वी में कहीं कोई नहीं है, आपका अपना घर नहीं है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, मार्केट नहीं है, कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं मिली आपको प्रपोज करने के लिए। प्रपोज करने के लिए केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर ही है, हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर वो जगह होती है जहाँ पर हम शांतिमय होकर अपनी प्रार्थना करने जाते हैं, भगवान के साथ अपना कनेक्शन जोड़ने जाते हैं। क्या हमें वहाँ पर खुले आम जाकर ऐसी गंदगी फैलानी चाहिए? जब आज तक में ये रिपोर्ट दिखलाई गई और कहा गया कि इसमें ऐसी स्टेप्स लेनी चाहिए कि मोबाइल की पाबंदी हो जाए, जब लोग वहाँ पर प्रवेश करें तब रील्स यदि कोई बनाता हुआ पकड़ा जाए तो उसके ऊपर दंड लगाया जाए, उसे दंडित किया जाए। अब केदारनाथ, बद्रीनाथ समिति की ओर से ये कहा गया है कि वहाँ पर रील्स बनाना अलाउड नहीं है, अगर कोई पकड़ा गया तो उसे दंडित किया जाएगा। आज का इंसान
भक्ति के नाम पर कितना गिरता जा रहा है, कहाँ तक गिरकर जाएगा इंसान, शायद इंसान को इस बात का होश ही नहीं है। और इसीलिए कल के अवतार को उतरना पड़ा धरती पर, ताकि वो युग परिवर्तन करके उन इंसानों को सतयुग में ले जा सकें जिनकी अकल सही हो, जो वास्तव में अपने धर्म की रक्षा करना जानता हो, जो मानव के रूप में सच्चा मानव हो और जिसकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो। न सिर्फ आतुर हो बल्कि उसके कार्य भी ऐसे हों कि लोगों के मुंह से देखकर और कहें लोग वाह और नतमस्तक हो जाए, ना कि सिर्फ इस तरह के घृणित कार्य जो लोग आज भक्ति के नाम पर या अपने आप को मानव बतलाने के नाम पर कर रहे हैं। ऐसे कांड तो हमसे अच्छे वो जानवर जिनके हाथों में ना मोबाइल है ना इस प्रकार की भगवान ने उन्हें विवेक और बुद्धि दी, हम मानवों की तरह, वरना आज ना इंसान अलग रहते ना ही जानवर। इंसान और जानवर में आज इंसानों के इन्हीं घृणित कार्यों के कारण कोई फर्क नहीं रह गया। आज जानवर ज़्यादा वफादार हो गए हैं इंसानों की तुलना में। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे इंसान हैं उनकी भला आज चलती कहाँ है। उन्हें तो पीछे ढकेल दिया जाता है, उन्हें बेवकूफ़ कह दिया जाता है, उन्हें कह दिया जाता है कि इन्हें तो कोई अकल ही नहीं है। और जो लोग ऐसे कार्य करते हैं उनका वीडियो वायरल हो जाता है, वो पॉपुलर हो जाते हैं और लोग भी ऐसे लोगों की वाहवाही करने से नहीं पीछे हटते हैं। ऐसे ही वीडियोस जो केदारनाथ बद्रीनाथ में जाकर बनते हैं, उन्हीं वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक्स भी मिलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।